This is our Sharia Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brindvi. Uh, who do not know me? My short introduction is I belong to the 40th CTP and i located in Pakistan Audit and Account Service and currently working as an assistant accountant journal in AG Synth. Uh, we have been running this academy for the past two and a half years from right from css 2020 to 2021, then 2022, 2023, courses, and now we are going to start uh, the session for css special exam uh, that is going to be conducted in may 2023. it is a once-in-a-lifetime opportunity for every aspirant, particularly those who have consumed uh, their all uh, three attempts Um, opportunity सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्ज़ैम कोई सोच भी नहीं सकता था कि तीन अटैम्प्ट देने के बाद भी किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसका जो ड्रीम है टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेसी कैन बी मटीरियलाइज्ड ये कोई सोच भी नहीं सकता बट अगेन एफ पी एस सी ने ये चीज़ uh, इस दफा की है और सी एस एस स्पेशल एग्जाम जो है वो मई में होने जा रहा है सो दिस दिस सेशन इज ऑल अबाउट सी एस एस स्पेशल एग्जाम हम इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ जी बिल्कुल किश्वर लाल सब चीज़ें जो हैं वो आप करेंगे दिस इज बेसिकली ओपन सेशन सेशन इंट्रोडक्टरी अबाउट स्पेशल एग्जाम इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट इंग्लिश यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ सी एस सी स्पेशल एग्जाम सी एस सी स्पेशल एग्जाम है क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसका स्केजल क्या है पहली चीज़ फिर दूसरी चीज़ हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम इन जस्ट फोर मंथ बिकॉज वी आर सिटिंग कंसीडर के दिसंबर तो ख़त्म हो गया एक ही दिन बाकी है कि वी आर सिटिंग इन जनवरी 2023, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और फोर्थ ऑफ मे को जो है वो फर्स्ट पेपर है यानी इंग्लिश ऐसे का पेपर है सी एस स्पेशल एग्जाम का सो वी हैव फोर मंथ्स टू प्रिपेयर आर सेल्फ फॉर सी एस स्पेशल एग्जाम यानी हमारे पास चार महीने हैं उन बारह सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो वो पूरी डिटेल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर योर इन जस्ट फोर मंथ्स फॉर सी स्पेशल एग्जाम तीसरे पॉइंट के ऊपर आ, तीसरे पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो सी एस एस जो हमारे स्कैजल है कोर्सेज का वो शेयर किया जाएगा थोड़ी नोट्स मेकिंग के बारे में कब बात करूंगा और आखिर में अगर टाइम मिला तो जो है हम इंशाल्लाह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी काम करेंगे एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स और आखिर में भी आपको मौका दिया जाएगा कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ठीक है सो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सी स्पेशल एग्जाम की बात करेंगे आपके बेसिक आंसर स्पेशल डिस्कशन ऑन स्ट्रैटी एज वेल सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि कांग्रेस टू द एस्पायरेंट फॉर सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्डेंट हर वो तमाम बच्चे जिन्होंने ये सोच लिया है टू अपेयर इन सी एस स्पेशल एग्जाम उनको मेरी तरफ से कांग्रेट्स बिकॉज ये जो प्रिपरेशन फीस है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है वेदर यू विल पास द एग्जाम और नॉट बट यकीन माना अगर आप सही से सी एस एस की प्रिपरेशन कर लेते हैं सो यू कैन इजिली पास अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो उसमें पी एम एस की एग्जाम्पल आप ले लें या वन पेपर एग्जाम हो गया एफ आई ए का नैप का आई बी का तो उनको आप भी ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये जो प्रिपरेशन फेस है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेस है और अगर आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें बेसिकली ओपन द ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू फिर द आंसर uh, सवाल क्या है जी सवाल हमारे पास ये है कि वेदर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन चार महीने में या नहीं कर सकते तो आंसर इज यस यू कैन यू कैन क्वालिफाई सी स्पेशल एग्जाम एंड यू कैन प्रिपेयर यूर सेल्फ इन जस्ट फोर मंथ्स बट द क्वेश्चन इज हाउ रिमेन दियर एट द एंड ऑफ द सेशन इन इज इस हाउ का जो सवाल जवाब है कि हमें किस तरह जो है इन चार महीने में प्रिपरेशन करें लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा मंथली बेसिस पे क्या करें वीकली बेसिस पे क्या करें हर दिन किस तरह सब्जेक्ट्स को कैरी करके चलें हाउ का आंसर इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड करूंगा सो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सी एस एस स्पेशल एग्जाम बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है मैं बताता हूँ बी बी सदाम हुसैन और सीमा आप दोनों का आंसर मैं इंशाल्लाह देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी एस एस इससे पहले हर साल होता रहा है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सी एस एस स्पेशल एग्जाम की बेसिक इंफॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चन हैं कुछ डाउट्स हैं जो वंस एंड फॉर ऑल आज इंशाल्लाह हमारे पास कवर हो जाएंगे सबसे पहले सी एस एस बेसिक स्पेशल एग्जाम जो है वो जिन बच्चों ने तीन अटैम्प्ट दे चुके हैं वो भी इसके अंदर अपेयर हो सकते हैं और वो बच्चे जिनकी एक अटैम्प्ट हुई है, दो अटैम्प्ट हुई है वो भी इसके अंदर अपेयर हो सकते हैं बट उनकी अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी सदाम आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर कि इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जाम ऑफ सी एस एस सी एस एस स्पेशल एग्जाम तो वो आपकी सी एस एस की अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों ने सी एस एस दो हज़ार इक्कीस का पेपर दिया था या सी एस एस दो हज़ार बाईस का पेपर दिया था अब वो तेईस का पेपर नहीं दे रहे स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी एक ही अटैम्प्ट काउंट होगी सी स्पेशल एग्जाम की अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है कि फॉर सीएसएस स्पेशल एग्जाम वन एडिशनल फोर्थ चांस वुड बी इन जिनके तीन चांस हो गए उनको फोर्थ चांस मिल रहा है और एक और चीज मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पर इसने लिखी है ये रहा for css special exam one additional fourth chance would be admissible the attempt of additional chance in respect of written part of css special is not counted टूवर्ड्स रेगुलर सी एस एस एग्जाम काउंट नहीं होगा जो सीट्स थ्रू आउट दी बचती जा रही थी उनके ऊपर ये एग्जाम हो रहा है तो ये हर साल नहीं होगा ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप

एग्जाम एग्जाम काउंट नहीं होगा तो तो आप 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 पास आप फेल आप आप पास पास करते करते फेल फेल नथिंग टू टू लूज। अगर अगर कर जाएंगे अगेन तो अगेन आपको एक का मौका मिल जाएगा बिकम द पार्ट ऑफ। होते आपके आपके रेगुलर की जो है वो चीजें बाकी हैं। फाजिल मैं आपके देता हूं। हर का दूंगा, थोड़ा सा ठीक है आपको एडिशनल अपॉर्चुनिटी जाए तो उसको जरूर अवेल करें चाहे आप 2022 का अटैम्प दे चुके हैं चाहे आप 2023 का अटैम्प देने जा रहे हैं फेबररी में बट स्पेशल एग्जाम का अटैम्प्ट जरूर दें पहली चीज़ फिर जी आते आते हैं हम एलिजिबल क्राइटेरिया के ऊपर अगेन यहाँ पे रिलैक्सेशन है स्टूडेंट्स के लिए है कि एज लिमिट सी के रेगुलर एग्जाम में थर्टी ईयर्स है यहाँ से वो एज लिमिट बढ़ाकर थर्टी ईयर्स से थर्टी टू कर दी गई है कितनी इयर्स कर दी गई है थर्टी टू ईयर्स कर दी गई है स्पेशल एग्जाम में एज लिमिट थर्टी ईयर्स से बढ़ा के थर्टी टू ईयर्स एज लिमिट को कर दिया गया है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है उनके लिए फिर टू ईयर्स एडिशनल हो जाएंगे इट मीन्स दे कैन टेक द एग्ज़ाम अगर उनकी जो उम्र है वो थर्टी फोर ईयर्स भी है और कट ऑफ डेट क्या होगी कट ऑफ डेट यहाँ पर लिखी हुई है वो होगी एक मिनट में मैं आपको कट ऑफ डेट भी दिखा देता हूँ कट ऑफ डेट थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू के ऊपर अगर आपकी जितनी एज है वो आपकी एज काउंट की जाएगी अगर वो थर्टी टू ईयर्स के अंडर है और थर्टी टू ईयर्स भी है अगेन यू आर एलिजिबल टू टेक द एग्ज़ाम ऑफ सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्पेशल एग्जाम अगर आप पहले से ही फेडरल मुलाजिम है फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम है तो आप ट्वेंटी फोर ईयर्स तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं Uh, अब मैं बताता हूँ जी फजील मैं आपके बातों का जवाब दूंगा नंबर ऑफ़ अटैम्प की बात हो गई सब्जेक्ट अगेन ट्वेल्व सब्जेक्ट हैं छः कंपलसरी हैं छः ऑप्शनल हैं कंपलसरी में दो अंग्रेज़ी के पेपर हैं इंग्लिश ऐसे इंग्लिश कम्पोजिशन इस्लामियात है जनरल साइंस एंड एबिलिटी है करंट अफेयर्स है एंड पाकिस्तान अफेयर्स है और फिर छः ऑप्शनल हैं जिनके लिए आपको पूरी स्कीम दे दी जाती है और उसमें से आपको छः ऑप्शनल जो है वो ऑप्ट करने होते हैं कीपिंग इन व्यू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड योर इनक्लिनेशन यू यूर इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स के अंदर है एंड फिर टू सर्टेन एक्सटेंट स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग ट्रेंड एज वेल देन जी टोटल मार्क्स एग्जाम के जी ट्वेल्व हंड्रेड पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्स हंड्रेड है हमारे पास ठीक है यानी ट्वेल्व हंड्रेड मार्क्स का टोटल एग्जाम है

और 600 मार्क्स भी लेकर आने एटलीस्ट 600 मार्क्स फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी ठीक है इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल आपके 300 मार्क्स है तो ये कुल मिला के फिफ्टीन मार्क्स आपके बन जाते हैं मेरी आवाज तमाम बच्चों को क्लियर है काइंडली ये चीज बता दें सबको क्लियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन फॉर कैंडिडेट्स कौन कौन से सूबे के कैंडिडेट्स ये पेपर दे सकते हैं क्योंकि पंजाब में जो रिजिडुअल सीट्स हैं वो बचती ही नहीं है जो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए तो पंजाब में सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ये एग्जाम ओपन है

पंजाब में सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए और केपी के में वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए ये चीज मौजूद है नेक्स्ट जी स्केड्यूल ऑफ एग्जाम क्या है ऑलरेडी शेयर होल एग्जाम एमपी टी का टेस्ट जो है वो थर्टी फर्स्ट जैन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को होगा ट्यूजडे को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है स्पेशल एग्जाम की अनाउंसमेंट एमपीटी रिजल्ट की होगी ऑफ फेब्रवरी और आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो शुरू होगा फोर्थ ऑफ मे 2023 ट्वेंटी थर्सडे वाले दिन से इससे एक दिन आगे पीछे नहीं होगा अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आ जाती ठीक है जी तो फोर्थ में मैंने जैसा कि कहा कि यू हैव एग्जैक्ट फोर मंथ्स आपके पास चार महीने हैं इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन अच्छा फिर हमारे पास जब हम रेगुलर सी एस एस का एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास ट्वेल्व ग्रुप्स होते हैं पैस पीएसपी फॉरेन सर्विस कस्टम्स ऑडिट अकाउंट्स इनलैंड रेवेन्यू कॉमर्स एंड ट्रेड मिलिट्री रेंट रेलवे पोस्टल एंड इन्फॉर्मेशन बट क्योंकि ये स्पेशल का सी स्पेशल एग्जाम है जो रिजनल सीट्स के ऊपर हो रहा है तो जाहरी बात है इसमें जो टॉप मोस्ट ग्रुप्स हैं उनकी सीट्स नहीं होंगी एज कम्पेयर टू रेगुलर एग्जाम या हो सकता है कम हो बट वी कैन नॉट से एनीथिंग विथ श्योरिटी क्योंकि सीट्स जब तक अनाउंस नहीं होती जब तक इंटरव्यू ना हो जाए और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो है वो सीट्स अनाउंस होती हैं तो कोई भी नहीं कह सकता कि इतनी सीट्स हैं और इतनी सीट्स नहीं हैं ना मुझे आपको पता है कि किस ग्रुप्स की सीट है जो भी वहाँ पर चल रहा है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है सीट्स जो हैं वो बाद में ही अनाउंस होती हैं अभी अनाउंस जो है वो नहीं होंगी यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ नोटिफिकेशन में उसने लिखा हुआ भी है कि कि सीट्स जो है वो अनाउंस जो है वो इंटरव्यू होने के बाद जब बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तब जाके जो है वो वहाँ पर आपकी सीट्स जो है वो अनाउंस होती हैं तो अगेन लेकिन ऑब्वियसली बात है रिजिडल सीट्स के ऊपर पेपर है तो टॉप मोट्स ग्रुप्स की सीट्स बहुत कम होंगी लेकिन अगेन वी हैव नथिंग टू लूज़ तो हम इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें देंगे और हमें ज़रूर देना चाहिए यहाँ तक सी स्पेशल एग्ज़ाम का जो इंट्रोडक्ट्री पार्ट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ट्वेंटी सिक्स ऑफ डिसम्बर लिखा हुआ है और अगर आप एम पी टी का नोटिफिकेशन देखें यहाँ पर तो यहाँ पर भी उसने डेट लिखी हुई है कि स्पेशल इस पे, इस एग्जाम और यहाँ पर उसने डेट लिखी हुई है कि जो है वो 18th ऑफ दिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू से ऑल एस्पायरेंट्स मे अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रलिमिनरी एम्सिक्यूट टेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एटीन दिसम्बर टू सेकेंड ऑफ जैन इट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम्स एम पी टी टेस्ट टिल सेकेंड जुलाई सेकेंड ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उसने क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन की वो सेकेंड ऑफ जैन है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें उससे बहुत पहले अप्लाई कर दें हो सकता है लास्ट डेट में आपकी तबीयत खराब हो जाए इंटरनेट ब्रेक डाउन हो जाए लोड शेडिंग हो जाए कुछ भी हो सकता है लास्ट डे में तो आखिरी डेट का इंतजार मत करें और अभी से आप लोग अप्लाई कर दें यहाँ तक जो है वो कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सी एस स्पेशल एग्जाम यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन के भाई ईयर्स के हवाले में अटैंप्ट के हवाले में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आपने किसी से पूछना नहीं है कि भाई के दो अटैम्प्ट होंगी नहीं होंगी अटैम्प्ट काउंट होगी नहीं होगी कितने ईयर में होगी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिए सर इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक सी एस इन फोर मंथ इफ यू आर नॉट द डेली न्यूज पेपर रीडर जी बिल्कुल इरम मैंने सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने शुरू ही स्लाइड्स यहीं से की थी द आंसर इज यस यू कैन बट द क्वेश्चन इज हाउ रिमेन देयर एट द एंड ऑफ द सेशन इन जो है वो इसके साथ जो है वो आपकी पूरी चीज़ इंशाला मैं बताऊंगा नेक्स्ट फेज जी जो नेक्स्ट पॉइंट है डेली न्यूज पेपर रीडर सो इन व्यू रीडिंग न्यूज ऑन डेली बेसिस इज द प्री रेकेट ऑफ सी एस एस क्या ये बात सही है, नहीं है उसका आंसर हम इस स्लाइड से लेंगे कि वॉट आर द प्रीज सी एस एस देखें जो कॉमन क्लिशे बातें हैं या जो स्टीरियो टाइप्स हैं जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो क्या होती हैं कि आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ओ ए लेवल्स का हो यू हैव वेरी गुड रिटर्न इंग्लिश स्किल्स यू हैव स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली और आप जो है वो डेली न्यूज़पेपर रीडर्स हों आपने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हों देन यू हैव अ प्रॉबेबिलिटी और यू हैव अ ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स टू क्वालिफाई सी एग्जाम यही बातें मार्केट में मिलेंगी और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो सी एस पीज भी हैं वो अपना स्टेचर बढ़ाने के लिए नए कैंडिडेट्स को इसलिए डराते भी हैं कि इस तरह तो नहीं कर पाओगे तुम मैंने तो जी विलियम डारम्पल की ये बुक पढ़ी थी और अनार की पढ़ी थी और पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड क्रिस्टोफर जैफिले की पढ़ी थी और हामिद ख़ान की जो है मैं वो पढ़ चुका था पेपर देने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और मैं आयशा जलाल की जो है वो द पहले से मुझे पता थी मैं जी बड़ा हाफिज फाजिल था और तभी जाके मैंने किया बट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको ना बुक रीडिंग की हैबिट है ना आपको न्यूज पेपर रीडिंग की हैबिट है मैं जी फोर्थ क्लास से न्यूज पेपर पढ़ता था तो वो अपना स्टीचर बढ़ाने के लिए अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए अगेन एक नए कैंडिडेट को एक मेच्योर कैंडिडेट को इस बात से डराते भी हैं अगेन अकेडमी ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है अके academy... In their, in their But क्योंकि हम मेरी कभी भी ये इंटेंशन नहीं रही चाहे मैं ऑफिस में हूँ वहाँ पर भी कोई मुझसे जूनियर आके पूछता है कि सर सी एस एस क्या मैं कर लूँगा तो मेरा पहला जवाब यही होता है हाँ एवरी वन कैन क्वालिफाई सी एस एस स्पेशल एग्जाम बस उसकी कुछ प्री रेकट्स हैं ये चीज़ कहीं पर भी नहीं है कि ये तमाम चीजें आप जो है वो बुक रीडर होने चाहिए ठीक है या फिर आपकी कोई इंग्लिश बहुत रिटर्न स्किल्स अच्छे होने चाहिए आपकी स्पोकन इंग्लिश फ्लूंटली होनी चाहिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई जो है वो हाई स्टीचर स्कूल से होना चाहिए ये कोई प्री रेकिट्स नहीं है अ कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड कैन क्वालिफाई सी एग्जाम मेरा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी तमाम edu, जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से है मेरे तमाम दोस्त काफ़ी लोगों को मैं मैसेज जानता हूँ जो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं क्या आपकी पहले से बुक रीडिंग होनी चाहिए द आंसर इज नो अगर आपकी पहले से बुक रीडिंग नहीं भी है आप सी एस एस में आते हैं उसका सिलेबस आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं अच्छी सोर्सेज से प्रिपेयर करते हैं डोंट नीड टू रीड एक्स्ट्रा बुक्स ठीक है अगर आपकी पहले से रीडिंग है वो एक एज देता है आपको अगर नहीं है तो ये कभी भी नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते क्या आपके पहले से रिटर्न स्किल्स होने चाहिए स्पोकन इंग्लिश होने चाहिए द आंसर इज नो यू कैन डेवलप दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर प्रिपरेशन आपके रिटर्न अच्छे स्किल्स एक प्री है सी एस एस की देर इज नो डाउट अबाउट दैट फैक्ट के यू नीड गुड रिटर्न इंग्लिश इन योर एग्जाम बट वो प्री रेकट नहीं है वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज अब डेवलप कर सकते हैं मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आप सब लोगों को पता है जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपकी रिटर्न एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है बट मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में जो है वो ये चीज डेवलप की मैंने इंजीनियरिंग के फेज़ में जितनी भी इंजीनियरिंग की मेरी कोई भी अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग बुक्स कोई भी ऐसी रीडिंग हैबिट नहीं थी कोई भी न्यूज पेपर रीडिंग हैबिट नहीं थी बट

सिलेबस फोकस रीडिंग बुक्स ठीक है ना कि अच्छा ये बुक है तो इसमें से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए तो मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूं ये बुक है इसका ये टॉपिक इस सिलेबस के टॉपिक में इंपॉर्टेंट है तो मैं ये चीज पढ़ लेता हूं इस तरह आप एक फोकस तैयारी कर रहे होते हैं तो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है कि फ्यू मिन्स एजुकेशन फ्रॉम लीट स्कूल बेस्ट इंग्लिश रिटर्न एक्सप्रेशन फ्लूट इंग्लिश लैंग्वेज बुक रीडिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट करंट अफेयर एंड पाकिस्तान हिस्ट्री और डेली न्यूज रीडिंग दिस थिंग्स विल भी डेवलप्ड ग्रेजुअली दिस थिंग्स विल डेवलप ग्रेजुअली आप इनके अंदर जो है वो प्रो हो जाएंगे बट ये प्री रेकेजिट नहीं है जो प्री रेकेजिट है मैं हमेशा इस्टार्ट में यही कहता हूँ हर जो मेरा इस तरह का ओपन और सेशन होता है और बच्चे इस तरह की सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ हमेशा तीन चीज़ें प्री रेकेजिट है अगर ये तीन चीज़ें आपके अंदर इस टाइम है और आप इस बात का इफ़ यू थिंक योर सेल्फ कि यू विल स्टैंड ऑन दीज थ्री पॉइंट यू विल क्वालिफाई इंग्लिश सी एस एस स्पेशल एग्जाम पहला पॉइंट क्या है कमिटमेंट एंड फोकस अब यहाँ पे काफी बच्चे बोलेंगे सर ने मोटिवेशन शुरू कर दी बट ट्रस्ट मी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट एंड फोकस थिंक हंड्रेड टाइम

यू शुड बी फोकस्ड ऑन यूर प्रिपरेशन ठीक है फिर चाहे मुश्किलें जो भी आएँ चाहे फाइनेंशियल इशूज हों जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल रहा हो फैमिली फैमिली को टाइम देना है दोस्तों को टाइम देना है उन सब चीज़ों को फिर मैनेज करना है ये नहीं करना है कि जी मेरे फाइनेंशियल इशूज़ है मैं गिवअप कर रहा हूँ सी एस एस के एग्जाम के ऊपर जी मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा मैं अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहा तो मैं गिव अप कर रहा हूँ फिर गिव अप नहीं करना पहले तमाम चीज़ों को सोचें एंड इफ़ यू थिंक कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपनी हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट कर सकता हूँ देन टेक अ डिसीजन और फिर तमाम प्रॉब्लम्स को टेक्निकली रिजॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि वंस यू हैव डिसाइडेड फिर स्टीव जॉब्स ने भी हमेशा कहता था कि फोकस लाइक अ लेजर भीम जिस तरह लेजर भीम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करती है आगे पीछे क्या हो रहा है उसको पता नहीं होता फिर आपने भी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना फिर रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए कुछ भी आए ठीक है फिर आपने उसको टेक्निकली चीज़ों को सॉल्व करना है नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ऑब्जेक्टिव इमरान खान हमेशा यही बात कह रहे होते हैं कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ऑब्जेक्टिव बट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर योर ऑब्जेक्टिव फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि यार सी का पेपर अच्छे तरीके से देना है और क्वालिफाई करना है तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे ऐसा ना हो कि बीच में हमारे नंबर्स कम आने लग जाए या एक दो ऐसे में हम फेल हो जाएं तो मॉक एग्जाम में या करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स को हमें समझ में ना आ रहा हो या हमें पॉलिटिकल साइंस की कोई थ्योरी समझ में ना आ रही हो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो हम बोले भाई हमसे ना ही नहीं हो पाएगा हम जो है वो मास्टर्स में एडमिशन ले, ले लेते हैं हम जो है वो किसी और डिग्री कर लेते हैं हम कोई और जॉब कर फिर ये नहीं होगा फिर कॉम्प्रोमाइज आपने करना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बट अपने ऑब्जेक्टिव पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ये एक प्री रेकेट है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मेरे अपने कुलीग भी थे दोस्त भी थे जो बहुत मुझसे अच्छा पढ़ते थे बट दे गेव अप है ठीक है बट ये गेव अप अ, 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 जो है ऑन देयर ऑब्जेक्टिव बट आज उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया और ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं मैं इंटरव्यू फेज में आज भी मुझे वो लड़का याद है जब मैं उससे पहली दफ़ा मिला था तो मुझे बहुत एक ब्लू एवरेज स्टूडेंट लगा था जिसको शायद सही से इंग्लिश बोलना भी नहीं आ रही थी प्रोनाउसिएशन में उसने अभी 2022 की ऑल दो ही फेल्ड इन मै इन इज फर्स्ट अटैम्प्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू की बट उसकी आप डीएमसी देखें उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उससे देखकर कोई भी कह सकता है कि ही कैन ईजीली क्वालिफाई इन इज सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट ठीक है ना तो अगेन उसने अपने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया दूसरी चीज़ दी राइट गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर द कैंडिडेट्स फ्रॉम बलूचिस्तान फ्रॉम एक्सवाटा रीजन फ्रॉम सिंध अर्बन एंड सिंध रूरल उनके लिए बहुत चीज़ जरूरी है राइट गाइडेंस आपने करनी है आपके पास कमिटमेंट है आपके पास फोकस है यू आर हार्ड वर्किंग यू यू आर गिविंग यू आर टू हंड्रेड परसेंट बट अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है सी के लिए आपके सारे एफर्ट्स ज़ाया हो सकते हैं ठीक है मैं अक्सर देख रहा होता हूँ बच्चे पूरा पूरा दिन जो है वो लाइब्रेरीज में चक्कर लगता है तो पूरा पूरा दिन न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं ठीक है ना तो देखिए न्यूज़ को आपको एक घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना और वी आर लिविंग इन दैट एरा जहाँ पर अब न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ना लाजमी नहीं हो गया है अब इतने अच्छे अच्छे मैगज़ीन आ गए मंथली मैगज़ीन के अगर आप वो मंथली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आप, मैं हमेशा अच्छी चीज़ को जो है वो एक्नोलेज करता हूँ जे डब्ल्यू टी का मैगज़ीन आप ले लें अब आप मंथली वो मैगज़ीन ले रहे हैं तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ होता है जिसके आपको वो तमाम बातें पता चल जाती हैं जो इस मंथ में भी हुई हैं ऐट द एंड आपको एम सी क्यूज भी मिल जाते हैं और फिर सी एस एस के अकॉर्डिंगली उसमें टॉपिक्स हैं फूड क्राइसिस इकोनमी डेमोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग सिमिलरली हमारा सीसेस ब्रिनरी का जो हर महीने मैगजीन हम पब्लिश करते हैं उसमें भी हमारा पूरा फोकस ये होता है कि उस महीने में क्या चीज़ें हो रही हैं ठीक है ना उस महीने में हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं उस महीने में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं ठीक है जे डब्ल्यू टी जी मैं यहाँ पे लेगा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ये आपको आ, किसी भी उर्दू बाजार से मिल जाएगा सस्ता मैगजीन है इसी तरह हमारा जो सी एस एस ब्रिंद्री का मैगजीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ई e मैगजीन है उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो है वो मंथली चीज़ें हुआ है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है सो यू डोंट नीड टू रीड ऑन डेली बेसिस अगेन इफ यू आर रीडिंग ऑन डेली बेसिस तब भी फिफ्टी से सिक्सटी मिनट से ज़्यादा आपने नहीं देने फिर हर सब्जेक्ट के लिए बच्चे मैं अक्सर देख रहा होता था पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तीन तीन बुक्स पढ़ रहे हैं अगेन इट इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी आपको अपना गोल पता होना चाहिए आपको अपनी टाइम लिमिट पता होना चाहिए और उसी टाइम लिमिट में आपने पढ़ना है ठीक है हर बच्चों को टाइम लिमिट पता है चार महीने का टाइम है तो उस चार महीने को सामने रखकर पढ़ना है ठीक है अगर इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी कि मैं 12 महीने की स्टडी इन चार महीने में कर लूं वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं 12 महीने में जिस तरह स्टडी करता था वही मैं चार महीने में कर लूं ये पॉसिबल नहीं है यू कैन नॉट रीड टू और थ्री बुक्स फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर इन मई 2022 ट्वेंटी आप अगर मई में अपेयर होने जा रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट के लिए दो तीन बुक्स पढ़ नहीं सकते आपको एक बुक में भी बकायदा फोकस करके चीज़ों को देखना पड़ेगा अच्छा ये टॉपिक है तो अगर मैं यहां से पढ़ लेता हूं तो ये मेरा कवर हो जाएगा दैट इज़ इट ठीक है तो वो गिवन फ्रेम यानी गाइडेंस आपको होना चाहिए कोई टीचर हो कोई मेंटोर हो कोई एकेडमी हो इफ यू आर इनिंग इन आर एकेडमी फिर हम आपको भी गाइड कर सकते हैं एनी कोई भी टीचर एकेडमी हो सकते जो राइट गाइडेंस दे लेकिन एक एक मैं आपको पॉइंट बता दूं उन लोगों से दूर रहिएगा जो डराएं आपको कि जी नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है ये है वो है इट इज बेसिकली इनप्रिग्निबल पाथ और ये इनविनिबल है ये नहीं हो सकता उन लोगों से दूर रहें अदीस भी है यूजम की कि मेक थिंग्स ईजी फॉर द पीपल डो नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर दम लोगों के लिए चीज़ें आसान करो और मुश्किल नहीं करो तीसरी चीज जो प्री टेकजिट है एग्जाम के लिए वो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी राइट गाइडेंस से ही एक नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्प्रोहेंसिव स्ट्रेटजी प्लान टू अचीव यूर ऑब्जेक्टिव आपके पास कमिटमेंट है फोकस है राइड गाइडेंस है बट यूफ़ यू डो नॉट हैवे प्लान इट मीन्स यू हैव अ प्लान टू फेल अगर आपको पता ही नहीं है आपका प्लान क्या है कि कब कौन सी चीज़ करनी है एंड यू आर डूइंग थिंग्स रैंडमली कि आज अंग्रेजी कर लो कल इस्लामियात कर लो परसों जी एस ए कर लो अगले हफ्ते फिर एक ऑप्शनल कर लो फिर अगले हफ्ते फिर मैं जी एस ए इस्लामियात कर लूँ फिर पंद्रह दिन बाद किसी दोस्त ने बोला जी एस ए में बड़े लोग फेल हो जाते हैं फिर मुझे एकदम से आँख खुली मैंने जो है वो ऐसे अटैम्प कर लिया पंद्रह बीस दिन बाद फिर मैं ऐसे को भूल गया फिर मुझे कोई दोस्त मिला उसने बोला जी प्रेसी बड़ी मुश्किल है मैंने जी एक प्रेसी अटैम्प करके चेक करा दी फिर मैं इस्लामियत पढ़ने लग गया इट मीन्स यू आर डूइंग थिंग्स रैंडमली और अगर आपको चार महीने का टाइम है अगर आपके पास चालीस महीने का भी टाइम हो एंड इफ़ यू डू थिंग्स रैंडमली तो आप कभी भी पास नहीं कर सकते तो आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि आज मैं आपको पूरी एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी बना के दूंगा वेदर यू आर यू इनरोल यूर सेल्फ इन आर बैचेज और नॉट बट आपको एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी इन आज मिल जाएगी तो याद रखिएगा ये तीन चीज़ें प्री रैकेजिड है कमिटमेंट और फोकस आज डिसाइड कर लें कि भाई देना है या नहीं देना एंड इफ़ यू आर डिसाइड कि हाँ भाई मुझे देना है फोकस लाइक अ लेजर बीम देन कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव दूसरी चीज राइट गाइडेंस देखें आपके सर्कल में कौन आपको गाइड कर सकता है वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ सी एस एस ब्रिनी ऑब्वियसली अगेन वो आप राइट right गाइडेंस देखें जो आप जहाँ पर आपको मुश्किल आए वहाँ पर पूछें खुद से चीजें करने का आप टाइम नहीं है ठीक है ना कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये दो बुक्स पढ़ी हुई है मैं बोलूँ कि अच्छा पहले मैं ये बुक पढ़ता हूँ फिर मैं ये बुक पढ़ता हूँ फिर इन दोनों में से जो मुझे अच्छी लगेगी उसमें से मैं अपने नोट्स बनाऊँगा इतना टाइम नहीं है इट इज़ बेटर टू कंसल्ट कंसल्ट योर मैंटोर एंड आस्क हिम और हर कि सर कौन सी बुक अच्छी है बेहतर है जिससे मेरा सी एस एस का सिलेबस ज़्यादा कवर होगा दैन स्टार्ट रीडिंग दैट बुक ठीक है तो ये मैंटोर का, का काम आपके पास हो रहा होता है तीसरी चीज कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी अगेन जो कि हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गाइड योर प्रॉब्लम सॉल्व इंस्टेड ऑफ वरी अबाउट टाइम एंड वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इतना टाइम ज़ाया नहीं करना कोई भी मसला आता है उसको डिस्कस करें और उसको सॉल्व करें वो जो मिथ्स हैं वो ग्रेजुअली आपके डेवलप्ड हो जाएंगी वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चीज़ें आसानी से चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो जाती हैं ठीक है, है ना तो वहां पर आप जो है वो परेशान नहीं हुएगा नेक्स्ट चीज आ जाता है कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेटेजी की तरफ क्योंकि देखिए ना कमिटमेंट और फोकस आपका काम है ठीक है अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में गाइड नहीं करेंगे अभी थोड़ा कॉम्प्रेंसिव सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने इंशाल्लाह मार्च में स्टार्ट करा दे कोई बात नहीं नोमान हम वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे यू कैन रिसिन फ्रॉम दैट कमिटमेंट और फोकस आपका काम है राइट गाइडेंस अगेन यू सर्च फॉर राइट गाइडेंस आपके सामने ये प्लेटफॉर्म भी मौजूद है तीसरी चीजें कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटी आइए वो आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं सो फोर मंथ्स कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेटी हाउ टू गेट यूर सेल्फ प्रिपेयर फॉर सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम्स याद रखिएगा कोई भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी होती है तीन उसकी बेसिकली टाइप्स होती हैं लॉन्ग टर्म प्लान मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि ये चीज मैंने हासिल करनी है इतने महीने में मीडियम टर्म प्लान मंथली प्लान होता है कि मुझे हर महीने में क्या करना है और शॉर्ट टर्म प्लान वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर चीजें डिफाइन करता है कि आपने चीजें क्या करनी है तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान आपका क्या है कि कंप्लीट दिलेबस टिल अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नो मैटर वॉट है अप्रैल 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 में में हो जाते हैं, 16 में हो जाते जाते हैं, 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 अगेन एक एज है, फिर आप मॉक एग्जाम दे सकते हैं, नहीं भी तो थर्टी अप्रैल तक आपको ये तमाम ट्वेल्व सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं देन फोर्थ ऑफ मे को आपका जो है वो फाइनल एग्जाम है ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ठीक है यानी इस स्टेज के ऊपर मुझे पहुंचना है ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है कि आई टू Complete my 12th subject till April 2023. ये मेरा जो है वो, final objective है। वो फिर जी medium -term plan आ जाता है जैसे मैंने कहा कि है है? है है, है ये आपका, ठीक है? क्या है आपका ठीक क्या जी? यहाँ पर uh, monthly plan है जो आ जाता है आपके पास उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं मंथली प्लान को uh, उसके अंदर जी क्या आ जाता है कि हमारे पास चार महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी जनवरी में आपका है एमपीटी का प्रिपरेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी आपने क्या क्या चीजें जनवरी में करनी है एमपीटी प्रिपरेशन अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ कंपली सब्जेक्ट यानी इस एक महीने में आपने एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है बट वाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एम आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं एमपीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूँ आप अपने छह सब्जेक्ट में जो बीस बीस नंबर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन है आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी इंग्लिश कंपोजिशन पांच पेपर में आपके आते हैं बीस बीस मार्क्स के इंग्लिश कंपोजिशन में भी बीस मार्क्स के एमसीक्यूज़ सी क्यू से इस्लामिया करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फाइव इक्वल्स टू हंड्रेड मार्क्स तो दो हंड्रेड मार्क्स आपके एम के और 100 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के इनको मिलाकर आप एमपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा बात याद रखिएगा अक्सर बच्चे एमपीटी की प्रिपरेशन करते हुए हो जाते हैं सर MPD के लिए हम इतना क्यों पड़े? भाई सिर्फ एमपीटी के लिए नहीं पढ़ रहे आप अपने रिटर्न एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है आप उसके लिए भी पढ़ रहे हो तो एमपीटी प्रिपरेशन अलॉन्ग ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट जनवरी में आपने कवर करना है क्योंकि थर्टी जनवरी को फिर हमारा एमपीटी का पेपर है देन जी अच्छा एमपीटी में फिर आपने ये चीज करनी है कि आपने वीकली मॉक्स भी देने हैं एमपीटी के ना वो इनशाला हमारे एमपीटी का परसों लेक्चर है उसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगा नेक्स्ट जी आपने जो स्टार्ट लेना है वो लेना है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स से इन दोनों सब्जेक्ट को आपने जनवरी के महीने में ही कंप्लीट करना है उसकी वजह ये है कि व्हेन यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स देन यू विल प्रिपेयर एंड यू विल कम इन कांटेक्ट विद मैनी डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एजुकेशन डेमोक्रेसी पॉपुलेशन वाटर क्राइसिस एटीन अमेंडमेंट द ग्लोबलाइजेशन पाक चाइना रिलेशन यू चाइना रिलेशन फूड क्राइसिस फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर जमेंट ये तमाम वो चीजें हैं जिससे आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और आपके जो अंडरस्टैंडिंग uh, है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है जो फिर आपको साथ साथ इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प कर रही होगी ठीक है क्या इंग्लिश ऐसे में भी आपको हेल्प कर रही होगी तो आपने जनवरी से इन तीन सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करनी है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे याद रखिएगा इंग्लिश ऐसे राइट फ्रॉम द डे वन आज से लेकर मे थर्ड तक मई फोर्थ को हमारा पेपर है थर्टीथ ऑफ डिसम्बर से लेके मे थर्ड तक आपकी एस की प्रिपरेशन जारी रहती है आपकी इंग्लिश एंड कंपोजिशन की प्रिपरेशन जारी रहती है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्रू आउट द फोर मंथ्स आपके साथ चलेंगे बाकी सब्जेक्ट की तैयारी खत्म होकर आप उसको रख देंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे लेकिन इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन आपने नहीं छोड़नी वो इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म प्लान में आपको डिस्कस करूंगा तो जनवरी में करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स आराम से 25 टू 30 डेज में हो

वो तमाम चीजें आपने कर लेनी है फिर फेबर में जी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन आपने स्टार्ट करना है देन इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी इनको पंद्रह पंद्रह दिन देने पंद्रह दिन इस्लामियात को और पंद्रह दिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी को सो so जनवरी और फरवरी में आपके पूरे छः के कंपल्सरी uh, सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी ऑल दो ऐसे और कंपोजिशन तो साथ साथ चलता रहेगा लेकिन बाकी चार सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे इस्लामियात जनरल साइंस एंड एबिलिटी करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स देन बचा मार्च और अप्रैल मार्च में आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देना है तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट पर मंथ टेन डेज आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने अगर आप दिन में तीन टॉपिक भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टर्टी थर्टी टॉपिक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मोर मोर देन इनफ है आप तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट मार्च में करेंगे तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अप्रैल में करेंगे आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फोकस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जो टाइम फ्रेम है, उसमें जो है, उसमें रहकर वो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना होता है लेकिन अगर हम ये करेंगे कि जी हम जी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जी हमें तो करने में दो महीने लगते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते ठीक है ना वो फिर आपने उस तरह नहीं करना मैंने पहले भी कहा है कि यू नॉट अ टाइम ऑफ वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर आपके पास सोलह सत्रह अट्ठारह महीने नहीं है आपके पास चार महीने हैं तो उसी तरीके से आपने जो है वो एक, एक, करके जो है वो आपने इंशाल्लाह इसी तरीके से आपने जो है वो कवर करना है ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं सर ये तो प्लान पता चल गया कि जनवरी में एमपीटी प्रिपेयर करें करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे फैब में इस्लामिया जनरल साइंस मार्च में ये अप्रैल में बट रोजाना क्या करें ठीक है ना आप लोगों में से काफी बच्चों को ये भी क्वेश्चन होगा कि सर डेली की बेसिस के ऊपर क्या करें अब मैं सुबह को उठ रहा हूँ नौ बजे या दस बजे और मैं रात को सो रहा हूँ एक बजे डेढ़ बजे तो मैं क्या करूँ ठीक है न सफिया शईफ़ा नूर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है इज़ इट गुड टू प्रिपेयर द स्लीपर्स ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है इंशाल्लाह जब हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेशन लेंगे अच्छा सवाल है आपका लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान डिफाइन कर लिया हमने ठीक है मीडियम टर्म प्लान डिफाइन कर लिया अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लान कि भाई डेली बेसिस के ऊपर क्या करें तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जनवरी में जनवरी में आप क्या करेंगे डेली बेसिस के ऊपर मंडे से सैटरडे आप सुबह उठे आपने टू आर्स देने हैं एम सी क्यूज को एम पी टी की प्रिपरेशन जिसमें इंग्लिश की वोकेबलरी भी आ जाएगी जिसमें करंट अफेयर्स के एम सी क्यूज भी आ जाएंगे जनरल एबिलिटी के भी एम सी क्यूज आ जाएंगे इस्लामियत के भी एम सी क्यूज आ जाएंगे यानी ना सिर्फ आप एम पी टी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव पार्ट है उनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे 200 मार्क्स एमपीटी के 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के एन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 300 मार्क्स दो घंटे से ज्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना एमपीटी को टू आवर्स मोर देन इनफ है सुबह उठे दो घंटा एमपीटी को दिया एमपीटी के एम किए वो पूरे आपको एम इन द फॉर्म ऑफ एम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीकली मॉब्स भी लिए जाएंगे एमपीटी का कोर्स हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ जैन से शुरू है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं एनी हाउ जो भी है उनके लिए फिर आप क्या करें करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के आपने टू टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं यानी मंडे को उठे दो घंटे आपने एम को दिए देन फिर दो टॉपिक्स आपने करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के प्रिपेयर करने यानी जिस दिन जो टॉपिक हुआ जैसे हमारा करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स हम कोशिश करेंगे एक दिन में दो टॉपिक्स कर लें ताकि आपका जल्दी ये प्रिपेयर हो तो अगेन वो जो भी जिस दिन पढ़ा उसी दिन उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया यानी आज इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा उसी दिन उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट कर लिया फिर रात में आपने क्या करनी है इंग्लिश ऐसे के लिए रिसर्च करनी है क्योंकि विदाउट रिसर्च यू कैन नॉट राइट गुड कॉम्प्रहेंसिव एंड इनक्लूसिव एसे गैट दैट गैट यू क्रॉस द लाइन ऑफ सी एस एस विदाउट कॉम्प्रहेंसिव एसे आप नहीं कर सकते ठीक है इनशाला ऐसे की क्लास में मैं मजीद बताऊँगा अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ बोलता कि हम डेली ऐसे लिखते हैं ये डेली ऐसे लिखने वाली चीज जो है वो uh, एक डिज़ास्टर है ठीक है ना इसका मतलब आपके पास रिसर्च है ही नहीं आप जस्ट क्लीशे और जो मेरी स्टीरियो टाइप्स चीज़ें लिख रही उसकी बेसिस के ऊपर आप ऐसे पास नहीं कर सकते ठीक है आप ऐसे पास नहीं कर सकते तो आपने मंडे से सैटरडे तक आपने एमपीटी को दो घंटे देने रोजाना सुबह उठकर और फिर करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के टू टॉपिक्स या टू टू थ्री टॉपिक्स आप कर लें जितने हो रहे हैं मिनिमम टू टॉपिक्स उससे ऊपर जा रहे हैं वेल एंड गुड है देन रिसर्च फॉर इंग्लिश ऐसे इंग्लिश ऐसे के लिए रिसर्च करनी है देन संडे वाले दिन आपने क्या करना है सबसे पहले उठकर तीन घंटे का स्टॉप वॉच आपने लगा देनी है यहाँ पर अपने मोबाइल पे आपने जो है वो स्टॉप वॉच आपने अपने मोबाइल पर लगा देनी है है देन जो है वो आपने स्टॉप वॉच लगा दी तीन घंटे का टाइम लगा दिया देन विद इन थ्री आवर्स आपने वो ऐसे लिखना है थ्री आवर्स से ज़्यादा जा रहा है कोई मसला नहीं है ऐसे लिखने के बाद अपने टाइटल पेज पर पे लिख देंगे भाई ये इतने थ्री आवर्स 3.2 पॉइंट टू आवर्स में हुआ है थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स में हुआ है थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स में हुआ है ताकि जब आप सेकेंड ऐसे लिखें तो यू कैन कंपेयर द टाइम कि अच्छा मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेदर यू आर ऑन अ करेक्ट लाइन और नॉट आपके अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं फिर दूसरा ऐसे लिखेंगे अच्छा तीन घंटे दस मिनट में लिखा तीसरा ऐसे अच्छा तीन घंटे पाँच मिनट में लिखा तो अगेन यू विल फील हैप्पी एज वेल एंड वो क्या कहते हैं सेटिसफेक्शन भी आएगी कि जो मेहनत करो अगर विदाउट स्टॉप वॉच लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि चार घंटे में लिखा है पाँच घंटे में लिखा है जी सर ने मुझे पचास नंबर दिए बड़े बच्चे तारीफ़ें कर रहे हैं जी बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है बट जब टाइम लिमिट देखा तो साढ़े चार घंटे में ऐसे लिखा है तो वो वहाँ पर तो तीन घंटे में डेढ़ घंटे आप कहाँ से एक्स्ट्रा लेकर तो संडे वाले दिन एक कंप्लीट ऐसे अटैम्प्ट करना है तीन घंटे का फिर अगेन एम को टू आवर्स देने और फिर एक टॉपिक करना है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का क्योंकि आपके पास फिर मजीद टाइम नहीं बचेगा यहाँ पर एक और बात कि अक्सर बच्चे बोलेंगे सर कितने घंटे पढ़ना है सो so, यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आई डू नॉट बिलीव ऑन टाइम बेस्ड स्टडी आई एम ऑलवेज द सपोर्टर ऑफ कंडीशन बेस्ड स्टडी ठीक है टाइम बेस्ड स्टडी को मैं कभी भी बिलीव नहीं करता मैं कंडीशन बेस्ड स्टडी के ऊपर बिलीव करता हूं कि भाई अगर ये कंडीशन आपकी चार घंटे में पूरी हो रही है अगेन वैलन गुड है अगर ये कंडीशन बारह घंटे में पूरी हो रही है तो ये आपके ऊपर है कि आपकी आप जो आ, क्या कहते हैं एब्ज़ॉब करने की सलाहियत है वो कितनी है कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं वो छः से सात घंटे में ये चीज़ें कवर कर लेंगे कुछ बच्चे देर से करते हैं मेरी तरह तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा सो so अगेन याद रखिएगा कि कंडीशन बेस्ड स्टडी करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं और टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी नेक्स्ट जी फिर मंथ ऑफ फेबररी आ गया फेबररी में आपने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स क्योंकि प्रिपेयर कर लिया होगा तो फिर आप जो है वो पंद्रह दिन इस्लामियात को देंगे ठीक है अगेन हम जो जनवरी uh, में आपका एम भी हो गया होगा तो फिर मंडे फेबर में आप मंडे टू सैटरडे उठ सबसे पहले क्या करेंगे वोकेबलरी करेंगे और फिर इंग्लिश कंपोजिशन को दो आर्ट्स देंगे कम से कम हर हफ्ते में आपने दो प्रेसीज और दो कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं यानी मंडे टू सैटरडे फैब के मंथ में आपने रोजाना सुबह उठ के टू आर्ट्स जो है वो इंग्लिश कंपोजिशन को देने हैं कभी आपने उसकी ग्रामर का पार्ट करें वैबलरी करें और फिर एटलीस्ट टू प्राइस और टू कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर अटैम्प्ट करें देन इंग्लिश कंपोजिशन के बाद अगर आप इस्लामियात कवर कर रहे हैं शुरू के पंद्रह दिन में तो उसके तीन टॉपिक्स कर लें जनरल साइंस कंप्लीट करें तो उसके तीन टॉपिक्स कर लें और फिर इंग्लिश के लिए रिसर्च करें संडे वाले दिन अगेन एक कंप्लीट इंग्लिश एस को अटैम्प्ट करें और फिर कंपोजिशन uh, को दो आर्ट्स दें और एक या दो टॉपिक्स जो इस्लामियत का है या जी एस ए का उसको कवर कर लें तो पंद्रह दिन में आपकी इस्लामियत हो जाएगी और पंद्रह दिन में जी एस ए हो जाएगी और इंग्लिश कंपोजिशन भी आपकी चलती चली जा रही है ठीक है जी नेक्स्ट है जी मार्च एंड अप्रैल का महीना अगेन मार्च एंड अप्रैल में मंडे टू सैटरडे आपने जो है वो टू आवर्स इंग्लिश कंपोजिशन को देने टू एंड टू एंड हाफ आवर्स आराम से इंग्लिश कंपोजिशन कवर हो जाएगी अगर आप थ्रू आउट राइट फ्रॉम फेबररी टू अप्रैल अगर आप रोज की बुनियाद पे दो घंटे इंग्लिश कंपोजिशन को देने हैं देन अगर आप वन ऑप्शनल कवर कर रहे हैं तो एटलीस्ट फोर टॉपिक्स आपने कवर करने क्योंकि वी हैव टेन डेज टू कवर ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आपको याद होगा मार्च में हमने तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करने हैं और टेन डेज ईच को देने हैं तो अगर हम डेली की बेसिस के ऊपर चार टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं एक ऑप्शनल का तो दस दिन में फोर्टी टॉपिक्स कवर कर लेंगे एंड इट इज़ मोर मोर देन इनफ इफ़ यू कवर फोर्टी टॉपिक्स फॉर ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट देन अगेन रिसर्च फॉर इंग्लिश एस संडे वाले दिन एक कम्प्लीट इंग्लिश ऐसे को दें अटैम्प्ट uh, करें इंग्लिश कंपोजिशन को टू वर्ड्स दें और फिर दो टॉपिक दो टॉपिक्स कवर करें ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्योंकि आपने तीन घंटे ऐसे भी लिखा हुआ होगा तो आपकी जो है वो एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी अगेन नोट अटैम्प एट लीस्ट टू ट्रेसिज एंड टू कॉम्प्रिहेंशन पर वीक ये मार्च और अप्रैल आपका यूँ कवर हो जाएगा इस तरह यू विल कवर ट्वेल्व सब्जेक्ट्स इन दीज फोर मंथ्स अगेन कैलकुलेशन है ये एक आइडियल प्लान है ज़ाहरी बात है जब आप करने जाएंगे तो कुछ चीज़ें आगे पीछे होंगी तो फिर कवर करना सीखेंगे भाई अच्छा मैंने शायद मंडे को कम पढ़ लिया या मंडे वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं वो सैटरडे वाले दिन टारगेट अचीव कर लूँगा संडे वाले दिन टारगेट अचीव कर लूँगा ठीक है ना तो ये आपने टारगेट अचीव करते हुए चलना अक्सर मैं कहता हूँ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सी पास नहीं हुआ या वी फेल टू वी फेल टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव भाई कैसे पास होगा जब आपके डेली के बेसिस के ऊपर गोल्स अचीव नहीं हो रहे वीकली बेसिस के ऊपर गोल अचीव नहीं हो रहे मंथली बेसिस के ऊपर गोल अचीव नहीं हो रहे तो फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या फाइनल ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होगा अगर आप डेली के बेसिस के ऊपर अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर अपने गोल अचीव कर रहे हैं मंथली बेसिस के लिए ऊपर गोल अचीव कर रहे हैं तो आप फाइनल ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर अचीव करेंगे ठीक है ना ये पूरी एक लाइन है अगर नहीं अचीव होंगे तो फाइनल गोल भी आपका अचीव नहीं होगा तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सी एस एस का मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि जनवरी फर्स्ट से हमारी क्योंकि तो हमने जनवरी वाले महीने में अगर आपको याद होगा तो हमने एम पी टी प्रिपरेशन यहाँ पर रखी हुई है और करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स तो हमारा जनवरी फर्स्ट से एम पी टी की प्रिपरेशन स्टार्ट है एम की प्रिपरेशन में क्या होगा हम आपको मटेरियल पूरा एम फॉर्म में अप टू डेट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आप डेली बेसिस के ऊपर उसको टू आवर्स दें और हर संडे वाले दिन आपका एक एम का मॉक भी होगा फिर जनवरी सेवन से हमारा करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स है वन मंथ कोर्स है उसके पूरा डिटेल प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर भी दिया था जिनको शेयर नहीं किया वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो उनके साथ डिटेल प्लान इन शेयर कर भी दूंगा यहाँ पर मौजूद भी होगा आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ठीक है जी ये डिटेल प्लान है हमारे पास जिसमें कितने लेक्चर्स हैं थर्टी फोर लेक्चर्स इनशाला हम वन मंथ में कवर करेंगे और इसमें इनशाला वीकली न्यूज़ एनालिसिस भी कंडक्ट करेंगे इस दफ़ा बुक्स एनालिसिस होंगे ठीक है इनशाला इसको इस तरह से हम यहाँ पर कवर करेंगे जी जी सहीफा आप भी रजिस्टर्ड हैं दूसरे बच्चे भी रजिस्टर्ड होना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी बच्चे भी इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होंगे लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो है वो क्या होगा सर काइंडली गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कॉपी नोट्स ऑफ सी एस एस बेनिर अभी हार्ड कॉपी नोट्स हमने अपडेट नहीं किए हुए सिर्फ जनवरी का मंथ कम्प्लीट होने दें इंशाल्लाह फिर हम हार्ड कॉपी नोट्स भी जो है वो उसको अपडेट करके कंपाइल करके स्टूडेंट्स के लिए रेडी कर देंगे अच्छा नेक्स्ट क्या है जी फिर जनवरी फोर्टीन से इंग्लिश ऐसे स्टार्ट होगा और इंग्लिश ऐसे अगेन आप हमारा तो वन मंथ का कोर्स होगा एंड इफ यू वांट टू राइट और गिव मॉक एग्जाम वीकली तो उसके लिए भी आप मॉक एग्जाम वीकली दे सकते हैं उसके लिए कुछ मिनिमम सी फीस होगी जिसको आप अटैम कर सकते हैं लेकिन अगेन क्योंकि तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में था कि जनवरी से हमने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट कर लेना और ऐसे स्टार्ट करने हैं तो जनवरी से हम ये स्टार्ट कर लेंगे देन फैब से हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजीशन इंशाला स्टार्ट हो जाएगी फैब में हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कम्पोजीशन थी इस्लायात एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी फैब में इंग्लिश प्रेसी एंड कम्पोजीशन इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी इनशाला कवर करेंगे हम इनशाला फैब में बड़ी आसानी के साथ और फिर मार्च से हमारा जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलसिला शुरू होगा तो इंशाल्लाह मार्च में ही या फैब के एंड में ही हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे कि हाउ टू ऑप्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें फिर बताऊंगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना जो है वो रोल प्ले करता है आपका इंटरेस्ट कितना रोल प्ले करता है स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और कुछ अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे Uh, तो वो उसमें बात होगी तो ये आप अपने पास नोट कर लें ये हमारा प्लान सी एस एस का आपके सामने यहाँ पर मौजूद है Uh, तो जो भी बच्चे रजिस्टर करना चाहे वो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मेरा लिखा हुआ नेक्स्ट जी ओपन ओरिएंटेशन सेशन जैसा आज का ओरिएंटेशन सेशन है एमपीटी का भी हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ जनवरी को 2023 क्योंकि फर्स्ट जनवरी से हमारी एमपीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट है फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 एट 5 पीएम इसी तरह का एमपीटी का सेशन होगा जिसमें कुछ चीज़ें एमपीटी के बारे में बताऊंगा सेवन्थ ऑफ जैन से हमारा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन शुरू है तो उसके तो लिए एक ओपन सेशन एक दिन पहले कंडक्ट कर रहे हैं सिक्सथ ऑफ जैन ताकि किसी को करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो ज्वाइन करने से पहले तो वो आंसर हो जाए और इंग्लिश ऐसे क्योंकि फोर्टीन से शुरू है तो थर्टीथ ओपन सेशन होगा यही जूम आई यही पासपोर्ट होगा थर्टीथ ऑफ जैन से ट्वेंटी हम जो एक ओपन सेशन करेंगे और फिर फोर्टीन से हमारी रेगुलर क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड इनशाला इसी तरह ओपन सेशन कंडक्ट करते रहेंगे और आपको रहनुमाई देते रहेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन द कोर्स एज वेल सर वॉट इफ यू रजिस्टर फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हाउ डू मैनेज टाइम बड़ी आसानी से हम मैनेज कर लेंगे जी uh, 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 क्या बोलते हैं आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा आपके मोबाइल का नाम लिखा आ रहा है तो देखें ना हमारी अगर करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स सेवन से स्टार्ट है और इंग्लिश ऐसे फोर्टीन से स्टार्ट है तो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की डेली क्लास होगी इंग्लिश ऐसे की जो मेन क्लासेस होती हैं वो टेक्निकल पोर्शन की होती हैं तो एक दिन में दो क्लासेस कोई मसला नहीं है आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं फिर हमारे करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स और जैसी इंग्लिश ऐसे कंप्लीट होगा हम अपने प्रेसी और कंपोजिशन का कोर्स शुरू कर देंगे ठीक है यानी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स जैसी एंड होता है प्रेसी एंड कंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एंड कंपोजिशन करना शुरू कर देंगे ठीक है फिर मैं उसमें मजीद भी चीज़ें आपको बताऊँगा जब आप चीज़ें करेंगे उसमें हम किस तरह चीज़ों को डेवलप करते हैं कुछ चीज़ें जैसे इस्लामियात हो गया तो इस्लामियात में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अपडेशन ज़रूरी नहीं है तो उसके रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाती हैं ताकि वो चीज़ें जल्दी से कवर हों ठीक है अच्छा सैयद जैगम हुसन कह रहे हैं सर एट फाइव पीएम आई एम इन ऑफिस अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ वो बच्चे जो लाइव सेशन में किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ जे बिजी कैजल और फैमिली कमिटमेंट्स और ऑफिशियल कमिटमेंट्स वो लाइव लेक्चर में अगर अवेलेबल प्रेजेंट नहीं भी होते तो उनको एक रिकॉर्डिंग उसी उसी दिन उसी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग उनको एक्सेस दे दिया जाता है ताकि वो रात में जब भी उनको टाइम है वो उसको आराम से सुन पाए ठीक है ना तो आप उसको बार में सुन भी सकते हैं जिसका एक्सेस आपके पास थर्टी फोर्टी डेज तक रहेगा और उसको आप आराम से सुन सकते हैं सर पढ़ाएंगे है? आप और टीचर कोई और है जी मैं करंट अफेयर्स इंग्लिश ऐसे इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन Uh, तो मैं ही पढ़ाता हूँ तक इस्लामिया भी मैं ही बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके अंदर डिफरेंट टीचर्स मौजूद हैं जो आपको कराएंगे ठीक है ना बाकी कंपलसरी में ज़्यादातर मैं ही टीचर होता हूँ ठीक है जी फीस स्ट्रक्चर के लिए आपने व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे रब्ता करना पड़ेगा आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर शेयर हो जाएगा ज़ीरो थ्री फोर थ्री टू थ्री सेवन फोर थ्री जीरो फोर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा है काइंडली नोट डाउन कर लें अभी हमारी सुपर क्लास का टाइम होने वाला है क्योंकि सी एस एस के जो रेगुलर एग्जाम है उनकी भी सुपर क्लास हमारे पास चल रही है तो हमारा पेपर होने वाला है आ, क्लास होने वाली है तो हम अपना फिर सेशन को क्लोज़ करते हैं इन वी विल मीट जो हमारा सेशन है संडे वाले दिन फर्स्ट जैन को एम के हवाले से उसमें मिलेंगे और एम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसी दिन से फिर हम अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे एम की और फिर फाइव सिक्स ऑफ तो जैन से करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे क्लासेस की टाइमिंग यूजुअली 5 पीएम एम फाइव थर्टी होती है बट जैसा कि मैंने कहा कि इफ यू नॉट प्रेजेंट इन द लाइव क्लास फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास विल बी शेयर्ड विद यू सो दैट यू कैन वॉच द लेक्चर आफ्टरवर्ड्स एज वेल डू वी हैव द क्लासेस एवरीडे यस वी हैविद बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम

आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछें कुछ भी मसला है कब सेशन शुरू होगा कब नहीं होगा आपको तमाम के जवाब दीजिए थैंक यू सो मच जी अल्लाह केयर